आपने अक्सर हैंडपंप से पानी निकालते देखा है, लेकिन झांसी में हैंडपंप से अचानक कच्ची शराब निकलने लगी। इसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। त्यौहार के दिनों में आबकारी विभाग की छापेमारी जारी है। इसी बीच जानकारी मिली कि हैंडपंप से कच्ची शराब निकल रही है। जब पुलिस कर्मियों ने अफसरों के सामने हैंडपंप चलाया तो देखते ही देखते कच्ची शराब निकलने लगी। हैंडपंप चलाकर करीब 80 लीटर शराब बरामद की गई। हैंडपंप से करीब निकलने का मामला मऊ रानीगंज थाना इलाके के बसरिया डेरे का है। आबकारी विभाग को जानकारी मिली थी कि यहां बड़ी मात्रा में कच्ची शराब बनाकर बेची जा रही है। इस पर विभाग ने कार्रवाई करते हुए छापेमारी की और सैकड़ों लीटर शराब जब्त करने के बाद बुलडोजर की मदद से अवैध शराब के अड्डे को नष्ट कर दिया। प्रशासन की इस कार्रवाई से शराब माफियों में हड़कंप मचा हुआ है। टीम का कहना है कि यह अभियान आगे भी इसी प्रकार चलता रहेगा। आज बसरिया डेरा पे जो है अवैध शराब बनाने के संबंध में बहुत शिकायतें मिल रही थी, तो इसमें पुलिस विभाग और आबकारी विभाग की ज्वाइंट टीम बनाकर इसमें जांच कराई गई और मौके पर जो है अवैध शराब जो बनाया गया जो पाया गया उसको जो है जब्त किया गया और जो बनाने की सामग्री थी उनके उसको नष्ट कराया गया। इस मौके से सभी लोग यहाँ चले गए हैं और हिरासत में किसी को नहीं लिया गया है, लेकिन संबंधित थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि जो संबंधित लोग हैं उनको गिरफ्तारी करके नियमानुसार आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई सुनिश्चित करें।